नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, राजस्थान रीट भर्ती को लेकर आप सबके लिए बहुत बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैं आंसर की बात कर लेता हूँ। तो दोस्तों, आपकी आंसर की अब वो जारी हो गई है। ये आंसर की दोस्तों आपकी 16 अक्टूबर वाली है, जो आपकी परीक्षा दोस्तों द्वारा से आयोजित कराई गई थी उसकी आंसर की है। लेकिन दोस्तों, आपकी फाइनल आंसर की के बारे में भी बहुत बड़ी अपडेट है। और इसी के साथ दोस्तों, आज आप सबके लिए दोस्तों बहुत ही अच्छा दिन है। आज 50,000 भर्ती करने को लेकर दोस्तों ट्विटर पर ट्रेंड करना है, और सरकार इससे लेकर जल्दी से जल्दी रिजल्ट से पहले आपकी जो 50,000 दोस्तों पद हैं वो बढ़ोतरी करे, ताकि दोस्तों सभी जितने भी स्टूडेंट हैं उनको आराम से जॉब है वो मिल पाए। क्योंकि अगली भर्ती दोस्तों 2 साल तक नहीं आने वाली है, और सरकार के पास भी दोस्तों अब 2 साल से कम समय बचा हुआ है। सरकार इसके बाद बदलाव हो जाएगा। तो दोस्तों, सरकार नहीं चाहेगी कि स्टूडेंट को निराश करे। हालांकि दोस्तों नई नई भर्तियां भी निकाल रही है सरकार। अब मैं बात करूं दोस्तों, कट ऑफ में कितना बदलाव आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, लेवल फर्स्ट लेवल सेकंड का सेफ स्कोर कितना रहने वाला है, 110 पर के आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं। तो दोस्तों, पूरी जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा, वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। साथ में दोस्तों, अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चैनल पर आपको दोस्तों राजस्थान रीट की सभी प्रकार की अपडेट मिलती रहती है। और वीडियो के लास्ट में बात करेंगे दोस्तों रिजल्ट के बारे में, कि रिजल्ट को लेकर क्या अपडेट है, कब आपका रिजल्ट आएगा, दोस्तों रिजल्ट डेट क्या रहने वाली है। शिक्षा मंत्री गौशी डॉट सिन्हा ने रिजल्ट को लेकर आप सबके लिए बहुत बड़ा बयान दिया है। सबसे पहले दोस्तों, मैं यहाँ पर कट ऑफ की बात कर लेता हूँ। तो दोस्तों, आपकी जो कट ऑफ है अभी के हिसाब से देखा जाए तो 110 से 125 के मध्य दोस्तों आपकी जो कट ऑफ है वो आपकी जनरल कैटेगरी की बताई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, जनरल कैटेगरी में। लेकिन अगर वहीं दोस्तों 50,000 भर्ती हो जाती हैं तो ये कट ऑफ आपको 115 तक ही देखने को मिलेगी। ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 104 से 116 के मध्य आपकी कट ऑफ देखने को बताई जा रही है। मेल फीमेल में भी दोस्तों आपका जो है 5 नंबर का अंतर रहता है, तो ये कहीं ना कहीं बेनिफिट रहता है फीमेल के पास। ओबीसी कैटेगरी की बात कर लेना तो दोस्तों ओबीसी कैटेगरी में 106 से 118 के मध्य आपकी कट ऑफ है वो जाने वाली है, यानी कि 120 तक आप कट ऑफ मान के चलिए। और वहीं दोस्तों एमबीसी कैटेगरी में दोस्तों 104 से 115 के मध्य, एससी कैटेगरी में 102 से 111 के मध्य, एसटी कैटेगरी में 101 से 110 के मध्य। यानी कि जिन स्टूडेंट के दोस्तों 110 से 125 के मध्य नंबर हैं, चाहे वो एससी कैटेगरी में हो या एसटी कैटेगरी में या फिर ओबीसी कैटेगरी में, उनके पूरे पूरे चांसेस बनेंगे दोस्तों कि उनका दोस्तों यहाँ पर जो है सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि वेकेंसी बढ़ने के बाद आपकी कट ऑफ और कम हो जाएगी, और वेकेंसी दोस्तों 100% बढ़ेंगी। सभी जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं पूरे राजस्थान के, उन सब से रिपोर्ट मांगी गई है कि उनके जिले में कितनी जो है सीटें खाली हैं। ये दोस्तों अभी जो परीक्षा द्वारा आयोजित करवाई गई थी दोस्तों, उसकी यहाँ पर दोस्तों आंसर की है वो जारी की गई है। आपकी भी आंसर की दोस्तों जल्द ही आने वाली है फाइनल आंसर की, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट ने आपत्ति लगाई है। लगभग दोस्तों जो आपत्ति लगाने वाले स्टूडेंट की संख्या है वो 6 लाख है। ये दोस्तों 6 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट ने आपत्ति लगाई है L1 और L2 दोनों पेपरों में दोस्तों। कट ऑफ में दोस्तों आपकी कम हो जाएगी अगर आपकी 50,000 भर्ती बढ़ जाती हैं। वहीं दोस्तों कट ऑफ डिपेंड करेगी दोस्तों बीएड पर भी डिपेंड करेगी। अगर बीएड को शामिल कर लिया जाता है तो दोस्तों आपकी कट ऑफ 132 तक आपको देखने को मिलेगी। अगर शामिल नहीं किया जाता है तो 120 पर ही दोस्तों आपका सिलेक्शन है वो हो जाएगा, लेवल फर्स्ट की बात करूँ तो। तो ये दोस्तों आप सबके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिट रह सकता है। अब देखना होगा कि कोर्ट का क्या फैसला रहता है दोस्तों, बीएड वालों को शामिल करेगा या फिर बाहर करेगा। और दूसरा जहाँ पर दोस्तों ये देख सकते हैं, अगर आपको दोस्तों बीएड वालों को शामिल नहीं किया जाता है तो कहीं ना कहीं जो बिडो हैं, यानी कि 90+ हैं या फिर जो पासिंग मार्क हैं उतने आते हैं, तो उन सबको सेलेक्टेड किया जाएगा। ये भी अच्छी खबर है दोस्तों। अब रिजल्ट की बात कर लेता हूँ तो रीट परीक्षा के परिणाम को लेकर शिक्षा मंत्री का बयान आया है। अगले महीने में परिणाम निकालने की तैयारी है, विभाग ने पूरी तैयारियां कर ली हैं दोस्तों, और जल्द ही परिणाम जारी करने को लेकर दोस्तों आपकी डेट भी आ जाएगी। और जो अपडेट है उसके साथ दोस्तों आपका लगभग 15 नवंबर से आपका रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा। दोस्तों आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, आपको राजस्थान रीट की सभी प्रकार की अपडेट मिलती रहती है। वहीं दोस्तों खुशखबरी ये आ रही है कि आपके रीट में पदों में बढ़ोतरी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, रीट में पदों में बढ़ोतरी को लेकर भी अपडेट है दोस्तों। 16 लाख से ज़्यादा उम्मीदवारों की निगाहें टिकी हुई हैं गहलोत सरकार पर, कि जल्दी से जल्दी वो पदों में बढ़ोतरी करके 31,000 पदों से दोस्तों यहाँ पर 50,000 पद करे, ताकि जितने भी स्टूडेंट हैं जिनके कम नंबर हैं उनका भी सिलेक्शन हो जाए। हालांकि दोस्तों आपको 5 से 6 अंक के बोनस भी मिलने वाले हैं जो आपत्ति लगाई गई है, क्योंकि दोस्तों काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं वो गलत थे। तो मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के सरकारी स्कूलों में खाली पड़े पदों की भर्ती के लिए शिक्षा विभाग ने रिक्त पदों की गणना शुरू कर दी है। सभी जिला शिक्षा अधिकारियों से अगले 2 वर्ष में खाली पदों की रिपोर्ट मांगी गई है, और रिटायरमेंट में खाली होने वाले पदों की भी रिपोर्ट है वो मांगी गई। तो आगामी 2 वर्षों में खुलने वाले नए स्कूल व क्रमोन्नत होने वाले स्कूलों की संभावित वैकेंसी के आधार पर दोस्तों आपकी जो है लगभग
19,000 पद यहाँ पर दोस्तों बढ़ोतरी कर सकती है, हालांकि और ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब देखना होगा दोस्तों कि सरकार इसको लेकर कब तक आपके लिए डिसीजन ले देती है। तो ये देखते हैं, लेवल फर्स्ट की कट ऑफ 120 और लेवल टू की कट ऑफ 110 से 123 के मध्य रहेगी। तो दोस्तों आपका जल्द ही आपका रिजल्ट है वो आने वाला है, और रिजल्ट को लेकर भी दोस्तों आपकी डेट है वो घोषित हो जाएगी, और कट ऑफ आपकी दोस्तों कम हो जाएगी अगर 50,000 भर्ती होती हैं। इसलिए दोस्तों आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करना है 50,000 पद बढ़ोतरी को लेकर दोस्तों, आज 11 बजे से ट्वीट करना है दोस्तों, और इस वीडियो को शेयर करें 11 बजे तक, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुँचे। आपके 50,000 पदों को लेकर मैं लगातार आपका साथ देता रहूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम।